हो गया सर। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े हैं, कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है। बहुत अच्छा। देखो आज जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, ठीक ठीक है सर, ओके सर। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जो कर लिया है कर लिया है। हम लोग शुरू से भी देखेंगे, जो पढ़ा है सेट पढ़ा है फंक्शन पढ़ा है सब देख लेंगे एक बार, क्योंकि अच्छे से पढ़ना है हम लोग को। और क्या पढ़े हैं उसका मुझे पता होना चाहिए कि कितना अच्छा से पढ़े हैं। चलो ये बताओ हमें, साइन थ्री सिक्सटी डिग्री इसका वैल्यू कोई बता पाएगा? नहीं देखना नहीं है, सॉल्व करना है। अच्छा सॉल्व करना है, नया आया हो क्या? कुछ नहीं, पहला क्लास है, हमने पहली बार देख रहे हो। चलो कोई बात नहीं, सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे, अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है। अभी बस नॉर्मली चल रहा है, हाँ ट्रिग्नोमेट्री मैं सिखाऊंगा, सिखाने के बाद खुद आएगा, बात समझ रहे हो? मैं सिखाऊंगा, मैं क्वेश्चन भी नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन खुद कर लोगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ हाई स्कूल में वन आएगा पक्का? चलो चेक कर लेते हैं। ये बताओ हाई स्कूल में 0 to 90 degree तक की जो वैल्यू पढ़े हैं साइन से लेके कोसेक तक, सब याद है? याद है नहीं याद है, यानी कि हाई स्कूल हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि हाई स्कूल में ये बातें हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, अब जैसे साइन है आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने नहीं पढ़ा है, हाँ। तो हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं एक बार सही है कि नहीं सही है, ठीक है। जीरो आ रहा है, चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 270 plus 90 यही बात है ना, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? 70 में बोल जाएगा, कौन से? हाँ वही कह रहे हैं, मतलब समझ गए। चलो बहुत बढ़िया, हाई स्कूल का है, टफ नहीं है, आसान है, समझा देते हैं, ठीक है। चलो हमें ये बताओ, ये तो पता होगा ना, इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं, ये तो पता ही होगा, ठीक है। ध्यान से समझना ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ध्यान से सुनना हमारी बातों को, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं क्या क्या होता है? कुछ नहीं, देखना भी नहीं है, वही साइन कॉस टेन इसी को तो बोलते हैं। अरे बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, देखो याद रखना, साइन होता है, कॉस होता है, तीसरे नंबर पे टेन होता है, ठीक है, और चौथे नंबर पे जो होता है कोसेक करो कॉट करो, कोई दिक्कत नहीं। इसका अपोजिट मान लो, साइन का अपोजिट जो होता है, अपोजिट मतलब समझ रहे हो ना, अपोजिट मतलब उल्टा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोसेक। इसको ऐसे याद करना, तो इसे क्या हो जाएगा, हमने एक तीर से दो निशाना मार दिया, जैसे साइन भी पढ़ लिया और साइन का अपोजिट पूछेंगे तो कोसेक, ऐसे अपोजिट का मतलब ऐसे, साइन इज इक्वल टू वन बाई कोसेक, अभी थीटा वगैरह कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये अपोजिट मतलब यही उल्टा, ठीक है। पाँचवें नंबर पर कॉस का उल्टा से, और छठे नंबर पर टेन का कॉट, इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना बात क्लियर है। छः ही होते हैं, ऐसे तो होते ही नहीं होते, बाकी तो उल्टा पुल्टा है, बाकी तो उल्टा पुल्टा है ना, बात तो वही हो गई, हम तो एक ही हैं। अब सर के मतलब मैं तो एक ही हूँ, पैर के बगल चल रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ, हाथ का यूज कर लूँ, पैर ऊपर कर लूँ, मैं तो एक ही हुआ ना, उल्टा कर दिया तो दो मिल गए। अब कहोगे एक इंसान है जो पैर से चलता है, दूसरा हाथ से चलता है, वही हाल ट्रिग्नोमेट्री का है। इसमें ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकेंड, इसे बोलते हैं थर्ड, और इसे क्या बोलते हैं? फोर्थ। इसमें भी हमको उम्मीद है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर है। दूसरी बात, यहाँ से यहाँ तक का डिग्री जो होगा एंगल वो 90 होगा, पता है, सिंपल बात है। और यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक आओगे 180 हो गया, पक्का है? चलो मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक आए तो बहुत बढ़िया, यहाँ से यहाँ तक, अच्छा खेल ख़त्म नहीं हुआ, अब मान लो फिर रिपीट करके यहाँ पे तो
90 ऐड होता जाएगा, यही तो हमें सीखना है। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे 360 में 90 ऐड कर दो, यहाँ आएगा तो फिर 90 ऐड कर दो, फिर आएगा जो आया है फिर 90 ऐड कर दो, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, कभी ये मत सोचना कि एक सर्किल में तो 360 होता है, लेकिन जब रिपीट करोगे तो एंगल बढ़ जाएगा। ये नहीं कि कोई पूछेगा तो 360 बस हो गया बात खत्म, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अब ध्यान सुनना, इतना भी क्लियर है पक्का? पहला कोऑर्डिनेट इसमें होता है ऑल पॉजिटिव। ये जो छः दिख रहे हैं ना, ऑल पॉजिटिव होते हैं पहले कोऑर्डिनेट में। समझना, अभी समझ में आएगा ये सब बात क्यों बता रहे हैं। ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन हो या कॉस हो या टैन हो या कॉट हो या सेक हो या कोसेक हो, जैसे मन वैसे याद करो, बस याद होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है ये है, इसमें ऑल पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव। ठीक है, इसकी बात करें, अगर ऐसे भी समझ लो, यहाँ का राजा छेव है, यहाँ के जो राजा हैं किंग हैं छः के छेव हैं, यहाँ पे आने से मामला बदल गया। साइन और उसका अपोजिट, देखो काम कितना आ रहा, अपोजिट कोसेक, साइन उसका अपोजिट कोसेक, और यहाँ पे देखो टैन और कॉट, यहाँ पे कॉस और सेक। ये तो बहुत आसान था, इसे याद करना है। पहले में छः राजा थे, अब इसमें दो हो गए, साइन और उसका अपोजिट, इसमें टैन और उसका अपोजिट, कॉस और उसका, आसान है, इसमें करना ही क्या है। ठीक है, इतना बात तो समझ में आ गई। अब मामला आता है अगले स्टेप का। अब मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मान लो मैं चार कोऑर्डिनेट तो दिए हुए हैं, मान लो मेरे पास 90 एंगल है, एक थीटा एंगल मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू जो है, या तो कह सकते हो कि इसकी जो वैल्यू है जीरो से बड़ा है, इक्वल भी कह सकते हैं, या 90 से लेस है, मतलब जो हमारा जो थीटा है वो क्या है, जीरो से बड़ा है, 90 से क्या है, ले छोटा है, कह सकते हैं। ये बताओ यहाँ पे 90 माइनस थीटा, हमने 90 में से थीटा घटा दिया, थीटा समझ में आ रहा ना, थीटा मतलब एक भी हो सकता है, एक डिग्री मतलब 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 89, लेकिन 90 नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता है। क्लियर हमारी बात को, 1, 2, 3, लेकिन 0 और 90 नहीं होता, और इसके ऊपर भी नहीं हो सकता। अब बताओ 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, इसमें, पक्का समझ में आ रहा है। 90 देखो यहाँ तक 90 था, इसमें कोई भी एंगल घटाओगे तो इसी में तो आएगा, और मान लो ऐड कर दिए तो, थीटा एंगल ऐड कर दिए तो उसमें आ जाएगा, देखो 90 प्लस थीटा। नहीं, फर्स्ट में कैसे आएगा, ध्यान समझना, हाँ थीटा ले लिए मान लो 1 डिग्री, बहुत बढ़िया, 90 था, 91 आ गया, तो मैंने बोला 90 तक यहाँ तक है, लेस होगा तो इसमें आएगा, बढ़ेगा तो जीरो रहेगा, तो बॉर्डर पर रहेगा, लाइन पर रहेगा। अब समझ में आया हमारी बात को, हाँ। अब यहाँ ये बताओ, ये जो बॉर्डर है कितना एंगल है, 180 है, 180 में से थीटा लेस करो, बताओ इधर आएगा कि इधर आएगा, इधर नीचे आएगा, लेस करना मतलब घटाना है, 180 मतलब सेपरेट करना है, 180 है, घटाओगे तो इधर ही जाएगा ना, क्योंकि 90, 91, 92 इधर ही आ रहा है, यहाँ तो 180 से आगे आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, यहाँ हो जाएगा 180 माइनस थीटा। यानी कि ये सब बातें हमें ज़रूरत है, पूछेंगे 180 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है, दिमाग दौड़ना चाहिए, पता है दौड़ेगा कैसे, इफ समझ जाओगे ये 90 वाला है, इस लाइन को याद रख लो ये 90 वाला है, और ये कौन सा है 180 वाला है, ये कौन सा है 270 वाला, ये मान लो जीरो तो था ही, यहाँ 360 वाला है, तो 90 देखो, जैसे बोलेंगे आँख बंद करोगे, कहोगे 90 माइनस कहाँ है, बोलोगे ये कोऑर्डिनेट है इसके पहले, यानी पहले वाले में, 90 प्लस आँख बंद करके बोलोगे इधर, ठीक है 180 में आ गए, 180 माइनस कहोगे हम सेकेंड वाले में आ गए, 180 प्लस आँख बंद के थर्ड वाले में आ गए, देखो इसको याद करो इस लाइन को, तो हमने कहा 180 प्लस, तो जैसे ही प्लस किया इसमें आ गया, 270 माइनस किया तो इधर आ गया, और ऐड किया तो उधर चला गया, ये लाइन याद करो, ये कम वाला है ज़्यादा वाला, तो यहाँ हमने क्या किया 270 माइनस थीटा इसमें आ गया, 270 प्लस थीटा इसमें आ गया, कोई टफ तो नहीं इसमें, ये 360 लाइन आ गया। अब बताओ ऊपर जाएगा तो कहाँ जाएगा, पहले में आएगा कि चौथे में, ऐड कर रहे हैं थीटा 360 प्लस थीटा फर्स्ट में आ गए, देखो 360 ऐड किया उड़ गया, सोचना ही नहीं है, ठीक है हमने माइनस किया, ठीक है ध्यान से देखो, चार लाइन्स हैं, एक्स वाई है, 1, 2, 3, 4, ये जीरो है, 190 है, आसान है, 180 है, 270 है, और ये 360 है, तो बस दिमाग में बैठाना है, कुछ करना नहीं होता, अभी तुम लोगों को क्वेश्चन बताएंगे, बहुत तगड़ा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है आल पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में राजा कौन है साइन और उसको कोसेक, और थर्ड वाले में राजा कौन है टेन कार्ड, चौथा का ये हमारे बादशाह हैं, ठीक है, इसका मतलब बादशाह ये हैं तो बाकी चारों तो गुलाम ही होंगे, मतलब इसमें ये जो दो हैं ये पॉजिटिव हैं बादशाह, मतलब हमारा कहने का मतलब ये था। कहाँ गए हमारे, कहीं चला गया क्या, यही है हाँ, यहाँ पे हो जाएगा टाइनी मान लेते हैं, ये सब पॉजिटिव वाले हैं, ये पॉजिटिव वाला है, ठीक है, बाकी जो चार बचे वो क्या हो जाएंगे निगेटिव, कहने का मतलब ये था, और इसमें छः के छः क्या है पॉजिटिव है, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलो अब ध्यान देखो, पहला नंबर ट्रिक, 90 and 270 को हल्के में नहीं लेना है, हम देखेंगे नहीं कि हल्के में नहीं लेना है, बता रहे हैं 90 and 270 को हल्के में नहीं लेना, नाम चेंज कर लेते हैं, समझ रहे बात, अभी समझ में आएगा क्या नाम चेंज करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है, एक मिनट में सारा कर लेता हूँ, काफ़ी बार रखे हो ना, बाकी मैं भी दूंगा, मैं क्वेश्चन दूंगा, तुम लोग को भी करना पड़ेगा, ठीक है, एक मैं बताऊंगा, चिंता मत करना, सब बताएंगे। चलो मैंने बोला 90 और 270 को हल्के में नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि ये नाम चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, ठीक है, बदलू टाइप के इंसान है 90 और, ठीक है, अब जैसे बदलने का मतलब, जैसे साइन है, पहले ये बताना, पहले ध्यान सुना, पहले ध्यान से सुनना, 90 पहले ये देखेंगे 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, कोई आपत्ति नहीं है, हमको पता है वहाँ से, हमने यही बताया स्टार्टिंग में कि एक किस क्वाड्रेंट में है, पहले वाले में है, पहले में आल वहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब ये प्लस होगा, आल पॉजिटिव का मतलब क्या होगा प्लस होगा, ठीक है, बदलना, बदलना मतलब साइन बदल करके कॉस में हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, ये याद रखना है, मैंने बोला 90 270 को तो हल्के में लेना नहीं है, लेकिन बात ये आ गई कि भाई ठीक है हल्के में तो नहीं लेंगे, क्यों, नाम चेंज हो जाते हैं, कहोगे भैया साइन है, चलो नाम क्या चेंज करोगे, तब याद रखना साइन का नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, ठीक है, अब कॉस साइन हो जाएगा, अरे अपोजिट भाई तो है, अब हम ये करें यहाँ पॉजिटिव होगा या निगेटिव, कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा कोऑर्डिनेट है, किस में जाएगा, पहले में जाएगा, पहले में क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, देखना ही नहीं है, सब पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, ठीक है, अभी तो पॉजिटिव लगा दे रहे हैं, बाद में नहीं लगाएंगे, आगे देखो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, अब तो बताने की भी जरूरत है, क्यों, ये तो सब ने हमने यही लिया, ठीक है, लेकिन हमें सीखना है टेन जो जाएगा किस में, कॉट में जाएगा, नहीं पता होगा सीख लेना, और कॉट जो है टेन में चला जाएगा, कॉट जो चेंज होकर कहाँ चलाएगा टेन, यही प्रोसेस अपनाएंगे चाहे 90 चाहे 270, ठीक है, अब सेक है सेक हो जाएगा तो कोसेक चला जाएगा, कोसेक थीटा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, और कोसेक होगा तो सेक थीटा हो जाएगा, बताओ ये फंडामेंटल क्लियर होगा कि नहीं, दिक्कत नहीं होगा, समझ में आएगा, अभी क्वेश्चन तगड़े तगड़े पूछते हैं इससे, हाँ तो काम तो होगा हम लोग का। चलो ये तो हमारा फर्स्ट केस था, या फर्स्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, दिख रहा, ठीक है, अब हम सेकेंड की बात कर लेते हैं, सेकेंड वाले में, इसमें हम बात करें तो नॉर्मली 90 माइनस थीटा वाला आ रहा था, और ध्यान से देखो तो 360 प्लस थीटा वाला भी आता है, हमने तो उसका बात ही नहीं किया, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, पहले क्वाड्रेंट में हमने ले लिया, हमने सब डिराइव कर दिया, इससे पहला क्वाड्रेंट 90 माइनस इसी से आने वाला है, बस थीटा यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देगा, ठीक है, अब सेकेंड वाला बात, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 360 प्लस थीटा खुद से बनाओगे, तो इसमें देखो साइन 90 प्लस थीटा हमने सब ले लिया, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोई बात नहीं, सीखने के लिए आए हैं, आज नहीं तो कल तो सीख ही लेंगे, मैथ सीखा जाता है, 1 2 याद है ना, 1 2 याद है ना, 1 2 3 याद है ना, अब सपोज करो कोई वृद्ध व्यक्ति है मरने वाला है, को गिनती सुना के दिखाओ, 100 तक गिनती सुनाएगा तब भी मरेगा, समझ जाओ, क्यों, बचपन से पढ़ रहा है, सोचो मैथ हो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो,
मैं पूछता हूँ क ख ग सबने पढ़ा है, ए बी सी डी सबने पढ़ा है ना, उसको हम क्यों नहीं बोलते हैं? कभी रिवीजन किया, कभी रिवीजन किया उसको? हाँ नहीं बोलते ना। वन टू कहो तो आँख बंद करके साइकिल चलाते चलाते पैदल चलते चलते ए बी सी डी जब पूछो जहाँ पूछो वहाँ बताएंगे, ये हमारा होता है। हम क्यों नहीं बोलते हैं सबसे बड़ा क्वेश्चन वो है। बाकी सब कैसे भूल जाते हैं? याद करो क ख ग कितनी बार लिखा है, याद करो ए बी सी डी कितनी बार लिखा है, याद करो हर एक फंडामेंटल हमने उसका यूज किया है। आज भी यूज करते हैं पैसा काउंट करने में, कहीं ना कहीं से आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ जितना ज़्यादा हम किसी फील्ड में मेहनत करते हैं उतना ही आता है, और कुछ है नहीं। और मैथमेटिक्स तो बहुत आसान है, इसमें ना याद करना रहता है बस समझना रहता है। नहीं समझ में आया सामने वाला खड़ा है पूछो बस बात ख़त्म हो गया। हाँ इसको समझ के जाना है बात ख़त्म हो गई, ठीक है। अब इसमें आ गया कौन सा कोऑर्डिनेट है, सेकेंड वाला है। हम कैसे पता किए हैं कि सेकेंड कोऑर्डिनेट है? हम देखते हैं क्या है, मैंने बोला पहले एंगल को देखते हैं पहले 90 प्लस थीटा। जैसे ही 90 प्लस थीटा आया दिमाग दौड़ा, मैंने बोला था पहला 90 है माइनस किया तो पहला जोड़ा, तो ऐसे ही याद होना चाहिए, ठीक है। जुबा पे कोई भी पूछे ऐसे चलते हुए बताओ 360 प्लस थीटा कहाँ किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा 360 प्लस थीटा? चलो मैं पूछ ही लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ किसको। हाँ चलो मैं पूछ रहा हूँ, ये बताओ 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? 180 माइनस थीटा, मुझे पता है आपको पता है, उनको पूछ रहे हैं। 180 माइनस थीटा प्लस थीटा फर्स्ट में आ गए। मैंने क्या बोला, इस लाइन को पकड़ लोगे तो पूरा जीवन करियर सब समझ जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। ये 90 वाला लाइन है, ये 180 वाला लाइन है, ये बताओ 180 प्लस करोगे तो इधर जाएगा, माइनस करोगे तो बस हो गया, और क्या। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट हो गया और ये सेकेंड हो गया। तो हमने 180 प्लस बोला तो कहाँ आ गया, इस लाइन को याद करो, ये लाइन कौन सा है, इस लाइन को याद करो कौन सा डिग्री वाला है, 270। देखो प्लस किया तो इधर, माइनस किया तो इधर, ठीक है अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। अब यहाँ पे 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड वाले, कहाँ से पहचाने हमने, यहाँ से, ठीक है। अब साइन 90 में नाम चेंज होता है कि नहीं होता है, होता है, पहली बता दिए। 90 और किस में होता है, 90 और 270, मैंने बोला नाम किस में चेंज होता है, 90 और 270 हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे साइन है, अब हमने बोला है कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड का राजा कौन है, क्योंकि पहले वाले में तो सभी राजा थे तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। अब सेकेंड में राजा कौन है, साइन और कोसेक, यानी ये राजा पॉजिटिव वाले हैं, राजा का मतलब पॉजिटिव है, बहुत पैसा है, ठीक है, और कोसेक मतलब ये पॉजिटिव। तो बाकी चार बच्चे क्या होंगे, बस यही करना था। लो अगर हम साइन का अगर हम सिंबल देखें तो साइन और उसका अपोजिट हमने प्लस कर, मतलब इसको क्या कहते हैं, प्लस कर दिया, बाकी जो है निगेटिव। और यार साइन है तो आँख बंद करके नाम चेंज होगा, साइन को कॉस में चेंज कर देते हैं, कॉस है तो साइन में नाम चेंज करते हैं, टेन है तो कॉट में, कॉट है तो टेन में, यही तो होता है क्या, बहुत टफ लग रहा है क्या। सेक है तो कोसेक में, और कोसेक है तो साइन, तो बताओ साइन समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये तो हमने बेसिकली हमको लगता है पहला टाइप, दूसरा एक टाइप की और बात कर लेंगे, बाकी जो है हम लोग कर सकते हैं खुद से देंगे करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरे बताने से अच्छा है खुद करो ताकि बात को समझ में आए, जहाँ नहीं समझ में आएगा हमसे पूछना, ठीक है। अब चलो, अच्छा हमने तो बोल दिया 90 और 270 में नाम तो चेंज हो जाता है, बचा क्या, क्या इसमें नाम चेंज होता है, नहीं होता है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं। कैसे, एक एग्जांपल यहाँ भी देख लो, साइन 180 माइनस थीटा। अब मैं बदल रहा हूँ, अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, एक बताऊंगा फिर बाकी पूछूंगा। कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, हमने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, हमने 90 वाला केस बता दिया है पूरा। अब हम 180 की बात कर लेते हैं। पहले देखो, ध्यान समझना, पहले जैसे सवाल देंगे पहले देखो, पहले नंबर पर देखना क्या है, ये देखना है कि किस कोऑर्डिनेट में लाई करता है। तो 180 माइनस थीटा जो है सेकेंड में लाई करता है, पहला हमने ये देख लिया, चलो ठीक है,
दूसरे नंबर पे क्या देखा जाता है कि सेकंड का राजा कौन है, साइन ही है या कोसेक है, तो अगर राजा है तो हमने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। फिर तीसरे नंबर पे देखना है कि जो ये एंगल है 90 है कि 270 वाला, कहीं नाम तो नहीं चेंज हो रहा है, तो यहाँ देखो क्या है 180, क्या है यहाँ पे 180 वाला है, तो नाम को हम चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ कर देंगे कोसाइन थीटा, बस। बता पाओगे आप? चलो बताओ हमें, ये वाला बताओ हमें। पहले मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है ये? 270 माच है, इसीलिए मैं बोला हूँ ना, आराम से बैठ के बताओ, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है, डरना। हाँ, कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में है, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद ये बताओ कि थर्ड में थर्ड का राजा कौन है, पॉजिटिव कौन है, टेन और क्या, टेन और काट है क्या, ये टेन काट है, इसका मतलब पॉजिटिव है कि नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि राजा तो है नहीं, राजा तो वहाँ है, नेगेटिव। कॉस है, टेन और कॉट होते हैं इसमें, हमने बताया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन हो जाएगा, क्योंकि टेन और कॉट ही पॉजिटिव है, यहाँ तो टेन और कॉट है ही नहीं, कॉस है यहाँ पे, हमने क्या कर दिया, नेगेटिव साइन कर दिया। अब थर्ड स्टेटमेंट, क्या 270 में नाम चेंज होगा, तो कॉस का नाम चेंज कर साइन, बस हो गया, बस यही करना था। अब तुम बताओ स्टेप बाय स्टेप, ये बताओ किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 360 प्लस थीटा, वहाँ पे दिखा हुआ है, वहाँ पे सामने भी दिख रहा है, यहाँ पे क्वाड्रेंट भी लिखा हुआ है, 360 प्लस थीटा भी दिख रहा है, बताओ हमें किस में है, 1 2 3 4, यहाँ पे हमको फर्स्ट में है, अब दिख गया, चलो कम से कम देखा तो सही, मुझे लगा दिख नहीं रहा, मैंने हिंट भी दिया, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ। फर्स्ट में क्या पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव, हमने प्लस लगा दिया, ठीक, नाम चेंज होगा क्या, 360 है तो वही उतार दो, सेक थीटा, क्या बन रहा है, अब बन रहा है, ठीक है। अभी बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, बाकी बहुत पढ़ा नहीं रहे अभी, अभी तो क्लास स्टार्ट नहीं किए, अब रब कर लेते हैं, अब थोड़ा चीज़ों को और सीखने का प्रयास करते हैं। चलो इसको थोड़ा सा और एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो अगर मान लो पांच क्वेश्चन देते हैं, मैं पांच क्वेश्चन दिया, अभी मैं कोई एंगल से नहीं दे रहा हूँ, बस मैं इसको दिमाग में बैठा रहा हूँ, मान लो पांच क्वेश्चन मैंने दिया, कितना टाइम में कर सकते हो, पाँच मिनट लग जाएंगे, तो ये ऐसे हाँ, बस आसान वाला देंगे, मुझे टफ नहीं चाहिए, मुझे आसानी बता दूँ, मैं टफ तो अपने आप करा दूँगा, दो मिनट चलो अच्छा देखते हैं, मेरे साथ ही बनाते जाना, मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता जाऊँगा, आंसर आया तो बता देना, ठीक है, सोचते रहना। चलो हमें बताओ, हमने समय दिया, पहले वाले क्या है, पॉजिटिव साइन थीटा, पॉजिटिव साइन थीटा, चलो पॉजिटिव साइन थीटा, ठीक है, पॉजिटिव कॉस थीटा, ठीक है, मामला बैठ नहीं रहा है, नहीं करते रहो, पॉजिटिव कॉस थीटा, कोई बात नहीं, मैं देखूंगा, मैं तो बस ऐसे ही किया हूँ, मैंने तो चेक किया ही नहीं, मैंने तो आंसर लिखा है, ठीक है, अभी चेक करेंगे, आंसर आप ही लोग बताएंगे, हमको बताना ही नहीं है। पहले बताओ 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करा, किसी को धोखा तो नहीं लग रहा कि चौथा में नहीं होगा, चलो कंफर्म,
चौथे में क्या पॉजिटिव होता है? कॉस और तो ये कॉस ही तो है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर हुआ बात? यानी पॉजिटिव ही होगा। अब 270 में नाम चेंज होता है कि नहीं होता है? होता है। तो कॉस का नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा? बस सही तो है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट में है? थर्ड वाले में। थर्ड में पक्का लॉक कर दिया जाए? चल थर्ड मान लो। थर्ड में मुझे हंसी आ रही, आता है लेकिन ये क्या हुआ, दिल की जो हार्ट बीट हो जाए ना बढ़ जाता है, ठीक है। हार्ट बीट बढ़ जाने से देखो कैसे, इसका एग्जांपल है, सटीक एग्जांपल 180 थर्ड में है। थर्ड में पॉजिटिव राजा कौन होता है इसमें? टेन और इसमें तो कोई संदेह नहीं। यहाँ क्या बैठे हैं? ये नेगेटिव वाले हैं, तो माइनस है लगा। अब बताओ हमें नाम चेंज होगा? अब देखो सही हुआ, सही था। पता है क्या होता, मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। कोई बात नहीं, आएगा। इसको क्या लगता है कौन से क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में है। फोर्थ में बताओ कॉस क्या होता है? ये कॉस पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ने कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, बाकी तो सही है क्योंकि नाम तो चेंज होने वाला नहीं है, 360 है। इसमें बात कर लेते हैं कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड में। पक्का? चलो मान लेते हैं सेकंड में। साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? लिखा हुआ ऊपर, ऊपर नहीं यहाँ पे, वहाँ छोड़ो, यहाँ पे लिखा होना चाहिए। पॉजिटिव होगा और नाम चेंज होता है क्या? साइन 90 में नाम चेंज होता है, प्लस कर दिया कॉस 90 प्लस थीटा, ठीक है सेकंड में आएगा। लेकिन कॉस क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। मैंने बोला कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारा चार तो बचे ना वो नेगेटिव। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी जो चार बचे नेगेटिव। इसमें क्या होंगे? दो पॉजिटिव एक। एक स्पेशल केस सीख लेते हैं, वो भी काम की बात है। घड़ी कैसे चलती है? क्लॉकवाइज। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ऐसे चलती है ना वॉच जो है? कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना वॉच की सुई जो है? अच्छा ऐसे चलती है, ठीक है, ऐसे चलती है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मतलब कि जब हम एंगल को मेजर कर रहे थे तो पॉजिटिव में कर रहे थे। देखो 90 दिखाओ बड़ा बड़ा। अगर मान लो हम एंगल जैसे ऐसे मेजर कर रहे हैं तो मतलब समझ रहे हो कौन से क्वाड्रेंट में एंट्री मार दी? चौथे मार दी। मान लो यही एंगल था ना थीटा वाला, जो 90 से छोटा था, 0 से बड़ा था, इसका मतलब ये तो इसी में नाचता रहेगा। अब मैं क्वेश्चन दे दिया कॉस माइनस थीटा, तो माइनस थीटा देखा। अब बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाइक किया? फोर्थ में तो लाइक किया। मैंने बोला नहीं माइनस थीटा कहाँ आएगा, एंगल नाप रहे हो, चौथे में आएगा। और चौथे में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पॉजिटिव किया। और कॉस इसमें भी नाम नहीं चेंज होता थीटा में, बस ऐसे उतार दिया ऐसे नॉर्मल। क्या बताओ ये बात समझ में आई? चलो ये बताओ, ये बताओ तो मैं जानूँ कि हाँ सीख गए हो। ये बताओ यहाँ क्या होगा? हाँ नेगेटिव। क्यों? चौथे क्वाड्रेंट, चौथे में देखो साइन सॉरी कॉस और उसका अपोजिट से वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों यहाँ पे तो साइन है, तो साइन यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा? साइन थीटा, बस ये नेगेटिव वाला पोर्शन है। अब मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, ये बताओ साइन टेबल याद है? नहीं याद है। जिसको टेबल नहीं याद है थोड़ा टेबल बता देते हैं, करना क्या है टेबल में? टेबल मतलब कुछ नहीं, ना भी पढ़ोगे तब। टेबल एक बार देख ही लेते हैं, बड़े हो गए हो अब, नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? रितेश। नितेश। जतिन। बहुत बढ़िया नाम है यार दोनों लोगों का। चलो हमें बताओ अब, हम भी तो देखें, जो हाई स्कूल में पढ़ा था याद है कि भूल गए? कितना परसेंटेज आया था हाई स्कूल में? 27 87 बहुत बढ़िया नंबर आया था यार तुम्हारा तो। मैथ में कितना आया था? मैथ से कम आया था?
देखो मेरा ये मानना रहता है मैथ में एक ही टारगेट होना चाहिए, इससे नीचे तो अपने आप को बात ही नहीं करना रहता है। पता है क्यों रीज़न? यही तो आता है मैथ का, मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता ना, 100 लाना रहता है। ठीक है तो 100 आता है, देखी होगी। और मैंने एक बात सीखा है मैथ से, जिसको आता है ना उसे बहुत प्यार करता है, और जिसको नहीं आता वो भागता रहता है। मैथ यही खासियत है मैथ की, जिसको एक बार समझ में आ गया ना उसे लगता है कि मैथ यही है। मुझे भी मैथ से डर लगता था कुछ समय पहले, मतलब कि मैं सिक्स में था, गलती हो गई ना, गांव से पढ़ के आया था। पुराना कहानी तो दो मिनट के लिए समझा ही देते हैं, हमारा मैथ स्ट्रांग कैसे हुआ। 6 में पढ़ता था तो मैं गांव में जन्मे करते हो, 25 नंबर अंक गणित होता था, 50 नंबर का अंक गणित, 50 नंबर का अलजेब्रा होता था। करके आया था 13 नंबर का, पा गया 50 में 50 मैथमेटिक्स में अलजेब्रा में, गांव में था। अब रिजल्ट कैसे बना था, गए थे सर रिजल्ट दीजिए, गए छत पे, देखे रिजल्ट बना के ला दी, हम कैसे पहला स्थान भी लिखा। हमको उस दिन से लगा कि मैथ हमारा बहुत तेज हो गया, और सच में तेज हो गया। कोई पूछता है तो मैं ही बताता हूँ। ठीक है तो मैथ जो है, फिर इसके बाद क्लास में मेरा नाम ही मैथ से ही था, अस्तित्व जो है मैथ से ही था। तो मैथ अपने आप में एक, मैथ अच्छा हुआ इंग्लिश कहाँ आता था, इंग्लिश नहीं आता था। मैं तुमको सही बता रहा हूँ, हम कैसे मैथ पढ़े हैं, दिस ऐसे लग के पढ़ाऊँ मैथ, मतलब ऐसे पढ़ते थे दिस इंग्लिश में। मैं पेंसिल से लिखता था, मैं पूछता था कि इसको दिस पढ़ते हैं क्या, वो 8-9th की बात है। लेकिन वो मैथ आने लगा ना, हमको लगा मैथ आता तो इंग्लिश क्यों नहीं आता है, ले इंग्लिश में भी आया नंबर, झोला भर भर के नंबर उठाए केवल मैथ की वजह से। सोचो इतना आत्मविश्वास आ गया। आत्मविश्वास ये चीज़ होती है कैसे, मतलब कि थोड़ा सा बीच में मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है जैसे कि हुआ क्या कि जब मैं क्लास में मैथ में सबसे अधिक नंबर आने लगा, तो एक बैंक मैनेजर जब आगे उभरने लगा, सर जी ने तारीफ कर दिया, और इसके बाद तो पीछे मुड़ के हटना नहीं था। ठीक है तो कहने मतलब आता है चीज़ें, हमको भी लेट में आया, हर कोई को, ऐसे भी लोग को मिले हैं कि कुछ अभी नहीं आता ना, टेक्नोमेट्री आता, 11th 12th का मैथ एकदम आता है, रट्टा नहीं मारे। मेरा ये दोस्त था उसको नहीं आता था, उसको तो ये भी नहीं पता था कि 25 में 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन अलजेब्रा टेक्नोमेट्री सब मैथ ही आता था लोग। ऐसे भी दोस्त हमारे थे। ठीक है इसलिए मुझे लगता है मैथ आ सकता है इसमें। खुद से देखो बताओ हमें 0 डिग्री का मान क्या होगा। हाँ साइन 0 है, 0 नहीं भूल गए हो, अरे हमें भी मत भुलवा देना, हमको भी बहुत डर लगता है इसलिए पूछते नहीं, हमको लगता है खुद ना भूल जाए। ठीक है तो देखो एक याद किया, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1, कुछ नहीं करना। इन भाई साहब को उठाओ इधर ले आओ, अब लो 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, समझ में आ गया। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, अगर हाई स्कूल पढ़ के आते तो आगे मैं और बताता। जैसे टैन थीटा होता है ना, टैन थीटा कुछ होता नहीं है, साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। साइन और कॉस का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, टैन थीटा होता है। अब ध्यान से देखना, ये है 0 और ये है 1, 0 में 1 का डिवाइड करो, पक्का चलो मान लेते हैं 1/2 √3/2। अब इनका डिवाइड कर पाओगे 1/√, आता है ठीक है, तब 1/√3 नहीं आता होगा तो एक बार देख लेना 1/2, ऐसे जानते हैं ना इसे 1/2 बोलते हैं हम, ये डिवाइड वाला सिंबल तो पता ही होगा, इसको हमने ऐसे तोड़ लिया, ठीक है ब्रेक कर लिया इसको, फिर 1/2 हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई में साइन हो जाते हैं, ये कैंसिल हो गया 1/√, सिंपल है। दूसरी क्लास का मतलब क्लास मतलब कि 2 दूसरी क्लास, मतलब वो मत समझना कि 12th का, ये 12th का नहीं है, दूसरी क्लास मतलब क्लास 2 क्या है। ठीक है अब यहाँ बताओ पक्का, अब इसका बताओ √3, इसका बता दो नॉट डिफाइंड, बहुत बढ़िया। अब ये बता दो 0 रेशनल नंबर है कि नहीं, 0 रेशनल नंबर है कि नहीं,
जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। रेसलर नंबर नहीं जानते हो क्या? रेसलर नंबर का नाम सुना है कि नहीं? तो ये पूछ रहा हूँ, जीरो है रेसलर नंबर की नहीं है? कैसे है, डेफिनेशन क्या है रेसलर नंबर का? हाँ, पी अपान क्यू के फॉर्म में लिख सके। अब बताओ जीरो हमको लिख के दिखाओ, जीरो अपान वन। अब ये बताओ पी अपान क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया ये रेसलर नंबर होता है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बताओ क्या क्यू जीरो हो सकता है? पक्का ना डिफरेंट है, बहुत अच्छा। मतलब कि पी जो होता है इंटीजर होगा और जो क्यू है वह इंटीजर होगा लेकिन उसमें जीरो नहीं होगा, यही होता है इसका डेफिनेशन। सटीक है, पी अपान क्यू के फॉर्म में तो होगा, लेकिन इसके बाद ये भी दिखा दो सटीक डेफिनेशन। कोई भी माथा पत्ती नहीं करना है कि इसमें डेफिनेशन लिखो, कुछ नहीं, यही सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ काट है, मैंने बोला था टेन का उल्टा क्या होता है? काट होता है। यह जीरो है, जीरो का भी किसी ने बताया, इसको रेशनल नंबर लिख सकते हैं। और उल्टा मतलब समझ लो, उल्टा दो इनको, अनडिफाइंड अनडिफाइंड कर दो यहाँ पे, नॉट डिफाइंड, ठीक है हमने लिख दिया। पलट दो, वन को पलट के दिखाओ, अच्छा पता है क्या, इसको पलट दिखाओ। अरे भाई साहब इसको ऐसे लिखते हैं, नहीं पता है क्या, बचपन में नहीं पढ़े हो? दो को ऐसे भी लिख सकते हो, टू को ऐसे भी लिख सकते हो। अरे वन से डिवाइड करोगे टू ही आएगा। अब एक वन के जगह पे कुछ और मत रख देना, अब सोचोगे कि नहीं यहाँ पे बताए थे तो ऐसे लिख देते हैं दो, अरे कैंसिल होकर वन आ जाएगा, फिर दो रहेगा ही नहीं, ठीक है। अब इसका बताओ जीरो, जीरो बहुत बढ़िया, नॉट डिफाइंड का फिर क्या हो जाएगा? जीरो, जीरो का नॉट डिफाइंड, हाँ नॉट डिफाइंड का जीरो, बहुत बढ़िया। इसका बताओ वन, टू बाई रूट थ्री, पलट रहा सही तो कर रहा है, रूट टू बाई वन कर दो कोई मतलब नहीं, टू नॉट डिफाइंड, कोसेक नॉट डिफाइंड, हम कुछ नहीं बताएंगे अपने, टू बाई वन, बहुत अच्छा। देखो टेबल कैसे याद होगा, घर पे गया कभी क्या कहते हैं, सोने जा रहे हैं, चलो कांच का टेबल ही बना लेते हैं, खेल खेल में ऐसा तो खेल भी खेले हो, याद हो गया दो तीन बार, ये हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री तो कंप्लीट, मैं तो यही मानता हूँ, ये और ये कनेक्शन इन्हीं से जुड़ा हुआ है, बस खत्म ट्रिग्नोमेट्री और कुछ है ही नहीं, बस अब न्यूमेरिकल लगाना है बस, और सीखना है प्रैक्टिस करना है, तो इनको और इनका होना बहुत ज़रूरी है। क्या ये दो बातें समझ में आई? हमें बहुत कुछ बताना है, अभी ग्राफ बताना नहीं सीखे होगे, अभी कोई आईआईटी के चक्कर में तो नहीं पढ़ा ना? आईआईटी आईआईटी की तैयारी करना चाहते हो सच में? चलो अच्छी बात है। साइन का ग्राफ देखा है? साइन का ग्राफ देखा है? नहीं सर, रिपीट होता है ना, साइन का ग्राफ नहीं देखा है? चलो बताएंगे, आएगा साइन का ग्राफ, ऐसे ही होता है। ये हो गया साइन का ग्राफ, अभी हमने विस्तार में नहीं बताया क्योंकि मैं बताऊंगा तो विस्तार में बताऊंगा, इसी का क्यों बताऊंगा, सबका बताऊंगा। ये होता है साइन का ग्राफ, ये है साइन, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बस ऐसे दिखा दिया है, ठीक है। ये होता है साइन का ग्राफ, क्योंकि आईआईटी की बात हुई तो थोड़ा सा आईआईटी का मतलब भी तो समझना चाहिए। वाई इज इक्वल टू एक्स का कभी ग्राफ बनाया है? नहीं बनाया है, वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ ही नहीं बनाया कभी, क्या बात करते हो, धोखा हो गया हमारे साथ। तो साइन का ग्राफ क्यों बता रहे हैं? तो विश्वासघात हो गया ना, वाई इक्वल टू एक्स ही जब नहीं पढ़े हो, पढ़े होगे मुझे लगता है, पढ़े होगे दिमाग से उतर गया है, ठीक है। वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है, इसका ग्राफ कुछ नहीं होता है, बचपन वाला बता रहे हैं, बचपन वाला, बचुआ वाला, क्योंकि अभी तो मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, अपना समझ रहे हो ना, बचुआ वाला बता रहा हूँ जो तुम लोग नहीं पढ़े हो, याद दिलाने का प्रयास करो। यक्स इज इक्वल टू वन पुट करो, हाँ सही पकड़ रहे हो, सही पकड़ो, सही पकड़ो, वही कर रहा हूँ ना, भूल के थोड़ा बचपन वाला याद दिला देते हैं। हम लोग बचपन में कहते थे ये लो, ये फेंक दिया ऐसे बना के टेबल, कह दिया यहाँ पे वाई रखा, यहाँ पे एक्स रखा, हमने इसको ऐसे डिवाइड कर लिया, वन टू थ्री जीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, सॉरी यहाँ पे एक्स कर लेते हैं, यहाँ वाई कर लेते हैं, जब लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करते थे हमेशा, जब भी टेबल बनाते थे ऐसे ही कर लेते, लो भैया वन इधर थ्री ले लिया, इधर थ्री बीच में जीरो। अब क्या करते थे, अब बताओ वाई यहाँ पे अगर यक्स जहाँ पे माइनस थ्री रखोगे तो वाई क्या आएगा?
यक्स की वैल्यू पे माइनस थ्री रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू वही तो आएगा, वाई जो अपने क्या रखेगा माइनस थ्री यही आएगा, माइनस टू रखेंगे तो माइनस टू ही आएगा, माइनस वन रखा तो माइनस वन, जीरो वन टू थ्री यही आएगा और कोई आएगा, यही आएगा ना। अब ध्यान देखो, फिर हम कहते थे प्यारा सा लो ग्राफ, ये यक्स और ये वाई, हमने यहाँ से कहा इधर भी ले जाना पड़ेगा, ये हमारा जीरो हो गया, जीरो कामा जीरो, जीरो कामा जीरो का मतलब समझते हो, यक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो हो गया यहाँ पे क्या होगा जीरो होगा, यहाँ वन हो गया, यहाँ टू हो गया और यहाँ थ्री, माइनस भी तो ले गए थे, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वन टू एंड थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। ठीक है, ग्राफ ध्यान देखना, यस की वैल्यू माइनस थ्री था तो यस की वैल्यू माइनस थ्री जीरो से ले लेते हैं, यस की वैल्यू जीरो था तो वाई क्या था, तो हमने एक पॉइंट हमें यहाँ मिल गया, अच्छे से देखो डिनोट किया, अब यहाँ पे वन लिए हैं, यस की वैल्यू हमने क्या लिया वन, तो वाई क्या मिला है वहाँ पे लिखा हुआ है, यानी हमने यक्स यहाँ पे लिया, यानी वाई जो है वाई तो यहाँ पे ना यहाँ पे मिला, हमने डॉट डॉट लाइन से बना दिया, ये तो पॉइंट हुआ जो आपस में कट करेंगे, टू लिया तो बताओ क्या आएगा, यक्स की वैल्यू टू लिया तो क्या आएगा वाई, टू ही तो आएगा वहाँ लिखा हुआ है, यक्स वाई आपस मिला दिया, देखो ऐसे हमने आपस में मिला दिया, किलो भैया मिला, थ्री ले लिया बताओ, इधर से गया थ्री मिला। ठीक है, अब देखो माइनस वन लिया, माइनस वन, माइनस टू लिया तो माइनस टू यहाँ से लिया, यहाँ से लिया तो आपस में ऐसे ऐसे किए कनेक्ट कर दिए, माइनस थ्री लिया इनको आपस में स्केल से ऐसे सीधी रेखा में मिला दिया, तो ये हमारा वाई स्क्वायर टू एक्स का ग्राफ था। ठीक है, अब कुछ देर पहले हमने साइन का ग्राफ देखा था, साइन का ग्राफ कैसे था, ऐसे था, वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे देखा हमने, ऐसे था, यही देखा ना, क्वेश्चन क्या था ध्यान सुना, क्वेश्चन ये था वाई इक्वल टू एक्स एंड साइन एक्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, क्वेश्चन ये था, ये लाइन का इक्वेशन है, या मान लो कोई फंक्शन है, मान लो ये एक फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन ये हो गया, करा इन दोनों फंक्शन से कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे, अब यही तो बात है, क्वेश्चन आसान है, एक ये दिया है दूसरा ये दिया है, पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितने इसके हल आएंगे, जैसे कोऑर्डिनेट इक्वेशन सॉल्व किए हो गए, कितने सॉल्यूशन आते थे, दो आते थे पक्का, तो कहते थे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो यहाँ पे तो दो फंक्शन दिया, एक यहाँ और एक, तो बताया वो कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन है, तुक्का मार रहे हो, अब कहोगे कि ये बहुत ही कठिन हो गया, क्या कठिन लग रहा है क्या, मैंने क्वेश्चन भी नहीं लिखा, मैंने बस नॉर्मली बताने का प्रयास किया, वाई इज इक्वल टू एक्स, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, एक फंक्शन मान लो ये दिया हुआ है लाइन का, ये लाइन का ही फंक्शन है, बताएंगे आगे, और एक साइन एक्स दे दिया, जो भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं हमने बताया कि भैया ऐसे होता नहीं, बताया नहीं है, तो एक तो हमने हिंट दे दिया ना, तो क्वेश्चन पूछा था नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, को ऑप्शन दे दें, चलो ऑप्शन दे देते हैं, पहला ऑप्शन जीरो, दूसरा एक, तीसरा दो, चौथा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन लिखा है क्या, तीन लिख देते, चलो बताओ, तुक्का मारी दो, सर इसका एक सोल्यूशन होगा, एक सोल्यूशन yes, होगा तुम्हारा, तुम भी ठोक दो, एक ऑप्शन तो है ना, अच्छा नहीं एक नहीं होगा, तुक्का तो लगा दो, चार ऑप्शन एग्जाम में तो माइनस मार्किंग भी नहीं होता है, चार ऑप्शन सामने है, टू चले आगे, हम बताएं आप, तीन पक्का, चलो देखते हैं, देखो ये कुछ नहीं है, क्वेश्चन पूछा था जेई मेंस में वाई इक्वल टू एक्स और साइन एक्स, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, दो फंक्शन दिया हुआ है इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ,
अब देखो एक हमको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ग्राफ, आईआईटी अगर करना है तो ग्राफ, ग्राफ से तो हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, केमिस्ट्री में यूज करते हैं और मैथ में भी करेंगे। तो इसमें पूछा नंबर ऑफ सोलूशन, ये नहीं पूछा कि क्या सोलूशन है, मतलब उसका मान कितना होगा ये नहीं पूछा, लेकिन पूछा कितना सोलूशन आएंगे, हमें यही पूछा ना। अब यहाँ पे y इक्वल टू s दिया, जिसको पता है कि y इक्वल टू s का ग्राफ ऐसे होता है, जिसको पता है साइन s का ग्राफ ऐसे होता है वो तुरंत कर लेगा। कैसे? उसने एक ग्राफ लिया, उसमें साइन s का ग्राफ देखो यहाँ पे बना दिया और यहाँ पे y इक्वल टू s का बना दिया। अब बताओ यह कितने जगह कट किया है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पेंसर क्या हुआ, बस यही था, बहुत टफ था क्या? लेकिन नहीं आएगा, क्यों? हमें तो, हम तो आदत ही पड़ गए, हमको डाटा चाहिए, हमको सॉल्व चाहिए, हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आदत हमारे पास नहीं है। हम तो सोचते हैं कि हमको मिल जाए एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन, उसको हल करते रहें और तीन घंटा उसी में बीत जाए और रिजल्ट निकले तो कितना नंबर आए, जीरो, क्योंकि हमारा पहला क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो ग्राफ भी मैं सिखाऊंगा, एक एक ग्राफ लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के सारे ग्राफ लेंगे, सारा ग्राफ पोर्शन जो है मैं यहाँ से लूँगा। अभी ग्राफ देखा ही कहाँ, अभी वाई इक्वल टू एस देखा, वाई इक्वल टू साइन एस देखा, अभी तो मैं बताऊँगा वाई इक्वल टू साइन मॉड एक्स, ग्राफ में आएगा चैप्टर, एक चैप्टर ही उठाऊँगा, इसका ग्राफ बताऊँगा मैं, सबका ग्राफ बताऊँगा, इंटीजर का बताऊँगा, सबका ग्राफ, ऐसे थोड़ा है। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, ये सब तो नॉर्मल ग्राफ है, ये भी बताएंगे। ठीक है, y इक्वल टू मॉड x, इसका ग्राफ बताएंगे, y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इसका भी ग्राफ बताएंगे। हर एक का ग्राफ ही पढ़ना है, तुम्हें ग्राफ में भी अच्छा लेवल तक हम लोग को जाना है ग्राफ में, ठीक है, ताकि हम लोग क्वेश्चन को महसूस कर सकें। ठीक है, तो अभी हम लोग चले थे ट्रिग्नोमेट्री में, अभी हमने जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रहा था कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे। ठीक है, अब इस पे बेस क्वेश्चन हैं। अब पहला क्वेश्चन मान लो ऐसे आ गया, चलो इसका मान बताओ, कर लोगे? चलो अच्छा करके दिखाओ, मुझे खुद नहीं पता ये सही है कि नहीं है, चलो बताओ मैं, क्या बात है, नहीं आ रहा है? मैथमेटिक्स में कितना नंबर पाए थे, बहुत ज़्यादा नहीं पाए थे क्या, कितना नंबर आ रहा है, बहुत कम था, कोई बात नहीं, लेकिन अब से मजबूत कर लेना। पहली बात अपने मेंटालिटी से कह देना कि मैं मैथमेटिशियन हूँ, रोज सोना तो बोलना आई एम ग्रेट मैथ, समझ रहे हो, कभी मत कहना कि मैं गधा हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं लावारिस हूँ। ठीक है, क्योंकि मेंटली जो होता है ना, इसका एक इफेक्ट पड़ता है। किसी ने पूछा था कि हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उन्होंने कहा सोने से पहले भगवान जी का नाम ले लो, एक दिन भगवान जी तुम्हारे सपने में जरूर आएंगे, दर्शन हो गए। ये बताओ लॉजिक सी बात, जो हम सोच के सोएंगे सिंपल सी बात है, वही तो होगा। तो भगवान के बारे में सोच के सोएंगे, आज नहीं तो कल एक दिन तो आएगा सपना। इसे कहते हैं किसी को भगवान है उसका आंसर देना, हाँ भगवान है, यही प्रोसेस अपनाओ, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। ठीक है, आओ इधर आओ, इतना समय मुझे वही तो नहीं पसंद है, समय, समय मैथ में समझ लो कि अगर मैथ का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आधा से एक घंटा पहले खाली हो जाना चाहिए, हमारा मैथ ऐसे होना चाहिए, क्योंकि मैथ बहुत आसान होता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। चलो मैं भी करता रहता हूँ तब तक, चलो देखो, ध्यान देखना, यहाँ से हमने राउंड लगाया, कितना हुआ 360, हमने, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो इतना बड़ा है, इतने से काम चलेगा नहीं। अब बताओ, अब यहाँ पे आगे बढ़ गए हम, यही होगा, यही होगा ना,
देख लो, डायरेक्ट यहाँ तक आ जाओ ना। अब बताओ कितना होगा? दो राउंड लगा दिया कहाँ, यहाँ तक आ गए, अभी भी दूर पहुँचे हैं, अभी दूर हैं। चलो एक बार और राउंड लगा लो, 40 है साइन 40। चलो देख लेते हैं साइन 40। हमने एक राउंड लगाया, ध्यान समझो, कुछ निकालना नहीं आता। 360 लिया, एक राउंड लगाया तो एक लिख दिया। इधर देख लो एक बार, एक राउंड लगाया तो वन लिखा, दूसरा राउंड लगाया तो दो से मल्टीप्लाई किया, यही तो होता है। अब तीसरा राउंड लगाया तो मल्टीप्लाई कर लो, यही होगा ना। गलत कर दिया क्या? फिर भी गलत कर दिया, गलत कर दिया। देख लो एक बार, पक्का देख लो, पक्का सही है? अभी भी दूर है क्या? पास आ गए, तीन राउंड लगा चुके हैं, अभी भी 11:20 है। ठीक है, अब इसके बाद हम 90 और ऐड करते हैं। ज़्यादा तो नहीं पहुंच गए हैं, अच्छा ज़्यादा चले गए, कोई बात नहीं, 40 ऐड कर लेते हैं, मतलब पहुंच गए। अरे हमको पहुंचना थोड़ा सिखाना था, वो तो बता रहे हैं, तो पहुंचना हमको लंका थोड़ा जाना, हमको तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये तो बता रहे हैं कि यहाँ तीन राउंड लगाया, तीन राउंड लगाने के बाद जो है पता चला हमें कि यहाँ पे 40 कहीं इधर ही आएगा आसपास, बहुत ज़्यादा चलेगा, यहीं आएगा कहीं। कौन से क्वाड्रेंट में आए? फर्स्ट वाले में आ गए। इतना तो पता चला ना कि क्वाड्रेंट यहाँ पर है, इसका मतलब इसके भी वैल्यू निकाले जा सकते हैं। तो ये राउंड लगाया, तो मेरा बताने का मतलब ये है कि ये राउंड को पकड़ना है। जैसे बड़े बड़े अगर एंगल आ गए 2160 साइन 2160, इसमें क्या था ध्यान से देखना, हमको पहले देखना है कि क्या मल्टीप्लाई करें, कितने राउंड में आए कि इसके करीब पहुँचे। थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो माइनस प्लस से अपना काम चला लेंगे। हमने क्या किया, तीन राउंड लगाया 360 में, फिर प्लस क्या किया, 40 था ना, 40 माइनस मतलब कर दिया। तो हमसे इससे मतलब नहीं है, ये देखो कि कौन सा कोऑर्डिनेट है, और प्लस वाला है, और प्लस वाले मैंने बताया था पहले हम चले जाओगे, हाँ ठीक है, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा साइन 40, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आसान नहीं है क्या? अब ये बता दो, तो आसान है तो देखते हैं मल्टीप्लाई किसका तेज है। रिजल्ट बताओ हमें, परिणाम बताओ। वन सिक्स आंसर बताना है, मुझे तो आंसर चाहिए, मैंने तो आंसर भी बताया ना, आंसर बताना है। साइन जीरो डिग्री का वैल्यू बता दो। हाँ साइन जीरो डिग्री वन, अभी मैंने मतलब मेरा पूरा बताया हुआ, पूरा मैपिंग सब खत्म, साइन जीरो डिग्री का वैल्यू मैंने अभी पूरा बताया है, पूरा बताओ। बेइज्जती करा दी हमारा, कल वो कोई पूछेगा कि साइन जीरो बताओ, कह दोगे जीरो होगा, ठीक है जीरो होगा नहीं एक होगा, कन्फर्म होना चाहिए। ठीक है अब बताओ, सही करने के बाद भी वहाँ पर जब लिख के आओगे एक वन, वहाँ पर सामने लोग क्या कहेगा, नंबर तो कटेगा ना, इसीलिए नंबर कम आया है मैथ में, उसको खामियों को दूर करो। देखो साइन क्या है, 6 बार मल्टीप्लाई किया था, कर लिए, चलो कर लिए, एक बार देख लेते हैं हम भी, तो देख लें सही बात है कि नहीं, जीरो, अरे भरोसा करना चाहिए, कर लिए, उतना ही आ गया। अब इसमें क्या ऐड करें कि यही आ जाए, सबसे बड़ी समस्या है, जीरो ही ऐड करना पड़ेगा, ले कर दी, सोच रहा था क्या ऐड करें, कोई संख्या है जिसमें वही ऐड करें कि मतलब वही संख्या आ जाए, क्या ऐड करें, सिंपल सी बात है, जीरो ही ऐड करना है। अब देखो ये हो गया ना 360 प्लस, कौन से क्वाड्रेंट चले गए, पहले वाले, मैंने बोला था क्वाड्रेंट को समझना है, ठीक है पहले वाले में चले गए,
पहले में 360 में नेम तो चेंज होता नहीं है, ठीक है, तो साइन और यहाँ पे क्या हो गया, इसका आंसर क्या आएगा, कितनी बार एक ही थोड़ा सा जो है विचार विमर्श करो, जल्दीबाजी नहीं, ठीक है। देखो जीरो आ गया, ये सब जो है क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हम वहाँ से उस सिचुएशन से हट के आगे आ गए भैया, जो जब मौका था तब गवा दिए सब, जब जहाँ सॉल्व करना था, हाँ लेकिन कुछ तो यूज आएंगे यहाँ पे, कुछ क्या बहुत यूज आएंगे, ठीक है, तो ये बैलू निकालना नहीं आएगा। चलो एक चीज़ और बता देते हैं, इलेवेंथ के टॉपिक में है ही, क्या रेडियन का नाम सुना है, रेडियन, अरे एंगल, एंगल एंगल को नापने का जो, ये बताओ डिस्टेंस, डिस्टेंस जानते हो ना, इसको कहाँ कहाँ कह, मतलब किस किस यूनिट में मेजर कर सकते हो, सब इसी की यूनिट है, एंगस्ट्रॉम भी होता है, बड़े छोटे सब ऐसे होते हैं, इसमें भी एक छोटा सा है, एक रेडियन है चैप्टर में, ठीक है, इसको तो और आसान से बताएं। देख ये इधर ध्यान देखो, और यहाँ पे जो है डिग्री होता है, अभी तक तो हमने मेजर डिग्री में किया 360, अब जैसे ही रेडियन, रेडियन का मतलब समझना पाई, इसका मतलब क्या होता है, अब जैसे ही पाई आता है दिल धक धक करने लगता है, या कहाँ वो 90 वाले दिन गए, अब कहाँ से पाई वाले आ गए। अब ये बताओ हमें, ध्यान से देखना, ये जो सर्किल है जब यहाँ से यहाँ, यहाँ से मैं चला जब यहाँ तक आया तो कितना डिग्री एंगल बना था, सबको पता है ना, किसी की दिक्कत तो नहीं है ना, तो याद रखना ये 2π के इक्वल होता है, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें, ये 2π के क्या होता है, इक्वल होता है। हम कहेंगे भैया पाई का मान बताओ, तो ये 2 से डिवाइड कर दोगे, यानी अब क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, यानी कि 180 डिग्री का जो मान होता है पाई के क्या होता है, इक्वल, बस याद करना। अब देखो कोई तरीका नहीं कि इससे मल्टीप्लाई करो, उसमें कुछ नहीं, बस याद रखना कुछ अभी नहीं, क्लियर है बात, यही होता है। अब ये सब दिमाग में मत बैठाना कि क्या होता है, जो मैं बता रहा हूँ उसे समझना, मैं बोल दिया लो 45 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करना है, हमने कोई कंसेप्ट दिया, थ्योरी दिया, कुछ नहीं दिया ना, बस ये बात बोले याद रखना, हमने कहा इसको किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो ये बताओ रेडियन का मतलब जब भी पूछेगा तो इसका मतलब पाई आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, वो तो याद है ना इसलिए बोल दी, जब भी डिग्री दिया है तो इसका मतलब हमको रेडियन में पूछना है, तो ध्यान देना जब भी रेडियन में पूछेगा तो इसका मतलब पाई ऊपर आएगा ही आएगा, तभी तो रेडियन होगा, यही तो रेडियन होता है। तो जब पाई से हमने अपने से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब पाई किसके बराबर होता है, 180 के, हम डिवाइड कर देते हैं, मान लो 2 कोई वैल्यू था, 5 से हमने खुद से मल्टीप्लाई किया, 5 से डिवाइड कर दिया, क्या वैल्यू इफेक्ट आएगा यहाँ पे, क्या इफेक्ट आएगा, नहीं आएगा ना, आएगा कहाँ इफेक्ट आएगा, पाई जो है 180 के इक्वल होता है ना, 180 से 180 तो गए हो, बचा क्या, यही तो बचा, हम तो बस चेंज कर रहे हैं, हमने पाई लिखा क्योंकि हमको रेडियन लाना था, 180 से डिवाइड कर दिए, और 45 का डिवाइड करोगे तो 4 टाइम जाएगा, ऐसे बोलते हैं पाई भाई, ऐसे करो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे देखो अब इसको चेंज करना है, डिग्री को किसमें, रेडियन में, तो बताओ क्या करोगे, पाई भाई 180, अच्छा पाई से क्यों, क्योंकि हमको पाई लाना था, क्योंकि रेडियन में चेंज करना था, 180 से डिवाइड कर दो, 2 टाइम्स बाद जाएगा, यहाँ जाएगा 2π। चलो हम दे रहे हैं क्वेश्चन, करो इसको, ये 2 क्वेश्चन टाइम देखना, एक बार दो टाइम, एक बार देख लो कितने बजे सर बोले थे, 4, चलो बहुत टाइम अभी, डिग्री है रेडियन में कन्वर्ट करना है, हाँ क्या बात है, देख के डर तो नहीं है, इसे कन्वर्ट करो,
बहुत ज़्यादा टफ दे दिया क्या? कभी ये भी सोच लिया करो, क्या पता वो सही में नहीं कटेगा, उसमें पीएचडी करने का आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नहीं, पॉइंट नहीं, नहीं 175 हाँ सही है, सही है, सही है। मुझे लगा पॉइंट नहीं, मैं इसीलिए बोला ना कि उतना ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है, कुछ था ही नहीं। ये था रेडियन, रेडियन मतलब पाई, क्या करना है, लाना है पाई, तो पाई तो ऊपर आएगा ही ना, हमने ही तो बताया, क्योंकि रेडियन में चेंज कर रहे हैं, तो पाई किसके बराबर होता है, पाई किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है कि नहीं होता है, पक्का? पाई किसके बराबर होता है, जीरो से जीरो गया। किसी को डाउट लगता है कि नहीं ये कट सकता है, तरीका बता रहे हैं, इस वालों को उठाओ क्योंकि छोटा वैल्यू यही है, ये वाला क्या है, छोटा वैल्यू। अब देखो इसका फैक्टर करो, देखो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, यही तो फैक्टर होगा, इसका फैक्टर ये होगा ना, इसमें सबको पता ना फैक्टर ऐसे निकलता है। अब देखो वन से तो सब डिवाइड होते हैं, तो वन से क्या ही लेना देना, टू से क्या ही डिवाइड हो पाएगा, थ्री से क्या डिवाइड हो पाएगा, और थ्री से डिवाइड करने का तो रूल भी होता है, सारे नंबर को आपस में जोड़ दो, अगर थ्री से डिवाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 7, 5, 12 है 30, नहीं होगा, बात ख़त्म, ठीक है। बाकी ये दोनों को करके दिखाओ, सेकेंड थर्ड, कितना है, 12 पाई, चेक कर लेंगे इसको, सेवन पाई बाई सिक्स, चेक कर लेते हैं एक बार, 2160 पाई लाना है, 180 से डिवाइड, जीरो हो गया, ठीक है, आ गया, मैच कर गया, 112 सही है, 12 पाई हो गया। मुझे लगता है ये कर लोगे आप। अब इसका अपोजिट वाला देख लेते हैं, ठीक है, टेक्नोमेट्री तुम लोग को पता चल रहा है ना, धीरे धीरे ख़त्म भी हो रहा है, ख़त्म भी हो रहा है। हाँ, दो तीन दिन बाद बस क्वेश्चन ही तो लगाना है, चिंता ना करो, सारे लगेंगे, लंबा नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा दिया हुआ है, हमें समझ रहा हूँ, क्वेश्चन है वो, अभी मैंने दो तीन क्लास के बाद जो है कोई क्वेश्चन ही लगाएंगे, सब खत्म हो जाएगा, बोला ना मैथ पढ़ने का तरीका ही होता है, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा, हमको किसमें प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन, ठीक है, सारा हम लोग बात करेंगे, चिंता ना करो, मुझे पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन लगवाने हैं, इस पर भी क्वेश्चन लगवाने हैं, ठीक है, वॉच पे आएगा, वॉच एंड टाइम पे, यस सारा आएगा, खैर चिंता करो, बहुत सारे प्रूफ के भी क्वेश्चन आएंगे, प्रूफिंग, ठीक है। तो मुझे पता है, इतना मैं सोच रहा कि मैं अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा ऐसे तो दो दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, मैं सारा हल करवाऊंगा, खुद से हल करोगे, मैं तो बताऊंगा, याद करो पहला चैप्टर जो हमने ये चीज़ पढ़ाई थी, तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है, ये सब जब वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब ये बताओ, फाइव पाई, अब इसको जो है डिग्री में चेंज करना है, कर पाओगे? यस सर, कर पाओगे? एक बार बता देते हैं, फाइव लिखा, पाई है यहाँ पे, अब तो पाई डिग्री मतलब पाई को क्या करना, अब हटाना है, इसका मतलब तो ना पाई को हटाना है, पाई को तो हटाना है, यहाँ पे 180 कर दिया आप, ठीक है, अब पाई से पाई गया, मल्टीप्लाई कर लो, कितना आसान था, वहाँ लाना था यहाँ हटाना था, यही तो है, फार्मूला अपने आप बन गया, ठीक है। अब बताओ हमें, चलो इसको डिग्री बताओ, फोर पाई बाई थ्री पाई 180। इधर देखो, इसको समझ में आया था कि नहीं आया था ये बात, कि
कि पाई हटाना है तो पाई, ये वाला कंसेप्ट है ना, पाई हटाना है 150, पाई से पाई डिवाइड कर लिए, क्या करना है, ये सही तो है, हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है ना, आसान है मतलब, ठीक है। एक बात और, ये बात और नोटिस करवा देते हैं, देखो एक कॉपी बनाएंगे हम लोग, कॉपी कितनी बनाएंगे बता दे रहे हैं, एक होता है फेयर कॉपी, वो बनाओ या ना बनाओ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, अपने को तो आना चाहिए, मेरा ही मानना है। दूसरा कॉपी फार्मूला कॉपी होगा, जिसमें हम अभी से स्टार्ट करेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे सारे फार्मूला दिमाग में दौड़ने चाहिए, कभी मालूम मिस हो गए तो देख लिया, ठीक है, हाइपरबोला पैराबोला, ठीक है, वहाँ पे बाइनोमियल पढ़ेंगे तो सारा आना चाहिए, एपी जीपी एचपी आना चाहिए। तो इसमें की पॉइंट भी लिखेंगे फार्मूला कॉपी में, इसका ज़्यादा नहीं 100 पेज का होगा, काम चल जाएगा, बहुत बड़ा पेज कॉपी नहीं बनाना है, मोटा सा बना दे कभी भर ही नहीं पाए। हाँ याद रखना इसको जो है 11th और 12th दोनों में यूज करेंगे, यानी 11th का फार्मूला बुक अलग, 11th 12th बहुत दूर की बात हो रही है, लेकिन जब तक हम हैं ठीक है तब तक क्या रहेगा, 100 पेज का फार्मूला एक बुक बनाएंगे। इसका रीज़न क्या है, बाय द वे हम 12th पे चले गए, 11th का हमको याद करना है, इस बुक को देखा सब ताज़ा हो गया, सब माइंड में दौड़ने लगा, क्या इतना बड़ा मोटा ग्रंथ थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। तीसरा टेस्ट, टेस्ट होगा बता दिया करेंगे, टेस्ट होगा, मेरा मानना है टेस्ट से खूबियाँ नहीं फरती, मतलब कि हमारा टैलेंट और ज़्यादा निखरता है, टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर एक चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, नंबर आएगा, मैं बोला ना 100, अगर पढ़ने में थोड़ा सा भी अगर मन लगा दिए इसको हम लोग अचीव करेंगे, इसे नीचे बात ही नहीं करना है, ठीक है, खासकर बोर्ड में तो 100 लाना ही है, बोर्ड में जो है 100 से नीचे मैंने बोला बात ही नहीं करना, उसमें तो और मेहनत करना है, मेहनत नहीं करना, जो टेस्ट कॉपी होती है ना वहीं से क्वेश्चन आएंगे और वहीं से 100 आएंगे, ठीक है। तो ये टेस्ट कॉपी रहेगी, इसके लिए कम से कम 11th की बात करें, इसके लिए 11th 12th का ग्रंथ नहीं बनाने को हो सकता है, 11th फिलहाल 11th क्योंकि टेस्ट तो 11th में होगा, तो इसके लिए क्या होगा, कम से कम 150 से 200 पेज की कॉपी होनी चाहिए, ठीक है। पहले पेज पे हमारा क्या रहेगा, टेस्ट नंबर रहेगा, उसमें हमको समरी बनाना है, टेस्ट नंबर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ पर रहेगा ऑप्टेन मार्क, टोटल मार्क, टीचर सिग्नेचर और यहाँ पे गार्जियन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारी पता चलेगा कि हमने क्या जो पढ़ा है सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नंबर कम बेसी तो होना, एक तो कोई कह नहीं सकता क्या कब ज़्यादा हो जाए, कम नंबर कम हो जाए, ये तो होता रहता है, लेकिन हमारा प्रोसेस यही रहेगा, टेस्ट प्रॉपर होगा, हमारे में तो होगा, दूसरे में नहीं पता क्योंकि हम पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहते हैं सिखाने में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का इतना काम होना चाहिए कॉपी के बारे में, ये तुम्हारी मर्ज़ी, बनाओ या ना बनाओ मुझसे मतलब नहीं, मुझसे मतलब इन दोनों से, अब बढ़िया से मतलब है। तो इसमें क्या बनाना रहता है, 100 पेज की कॉपी रहेगी या 150 होगी, इसमें जो चीज़ नहीं आती वहीं लिखना है, जो फार्मूला नहीं आता वहाँ लिखना है, चाहो तो पूरा फार्मूला लिख सकते हो मैथमेटिक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो कॉपी से संबंधित कोई चीज़ नहीं पूछना ना, तो कॉपी ऐसे बनाकर तैयार किया जाता है, ठीक है। क्योंकि एक बात और बता दे रहे हैं, ये भी सुनो, ट्वेल्थ क्लास है अभी, 11th के बाद 12th में जाओगे, इसके बाद हमको 30 क्लास नहीं पढ़ना है, 13वीं 14वीं 15वीं नहीं होता है, आप जाओगे ग्रेजुएशन करने, पहला ऑप्शन, दूसरा हो जाता है बीटेक करने जाओ, तीसरा अदर। तो कौन से में इंटरेस्ट है, ग्रेजुएशन बीटेक या अदर, कोई और ऑप्शन है, अब तो सोचना पड़ेगा ना, 11th में तो एंट्री मार ली, अब 10th तक तो कोई दिक्कत नहीं, 11th पढ़, अब तो सोचना पड़ेगा क्योंकि 11th में लेट कर दिया तो इसका मतलब समझ लो सब गड़बड़, क्योंकि ये जो पढ़ रहे हैं ना इसमें भी आने को है, इसमें भी आने को है, इसमें भी आएगा, तो अब तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, 11th में सोचोगे नहीं भी 11th कर ले तो क्या, 12th में जब ग्रेजुएशन की तैयारी कर, जब एग्ज़ाम दोगे कम्पटिटिव एग्ज़ाम, तो कैसे कर पाओगे फिर, तो अभी से सोच लो किस स्ट्रीम में जाना हमें। अगर किसी को लगता है कि हम DU जैसे बढ़िया से कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं ग्रेजुएशन, उसके लिए 12th में खूब अच्छा नंबर लाओ,
कंपटीशन एग्जाम देने की जरूरत ही नहीं है। 93 अबव ला दो, सिलेक्शन फायदे से हो गया। डी यू दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, उसमें मतलब सीटें मतलब वो होती डिवाइड रहती हैं, जैसे कुछ सीटें सी यू टी के थ्रू लेते हैं, कुछ सीटें अपना रिजर्व रखती हैं, ठीक है, तो नंबर से होता है। और प्लस आप चाहें तो एग्ज़ाम दे के भी कर सकते हैं, तो आप नंबर से भी ले सकते हैं, तो बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो अब तो ठान लो कि हमको करना क्या, बहुत अच्छा है जून में पढ़ने आ रहा हो, इतना गर्मी में कोई पढ़ता नहीं। और याद रखना हमारी बात, जून का समय अगर 100 से नीचे आए तो पीछे मुड़ के देखना भी नहीं हमारा टारगेट। क्यों? क्योंकि हम जून में पढ़ने आए हैं, जहाँ सब लोग मजे ले रहे हैं, गर्मियाँ की छुट्टी मनाने आ रहे हैं। अगर वो भी 80 पाए, मैं भी 80 पाऊँ, क्या ही मतलब, जून तो मेरा बर्बाद हो गया ना। कम से कम 10 नंबर 20 नंबर तो अधिक आना ही चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ 100 को आगे पछड़ा दो, कुछ बच्चे होंगे जो 100 पढ़ रहे हो, जो बच्चे 100 लाने वाले पढ़ रहे हो, ठीक है, लाएंगे बच्चे, सुनने को मिलेगा, तो हम लोग भी 100 ला सकते हैं, हम लोग के अंदर भी काबिलियत है, ठीक है, तो आएगा 100। मैथ बहुत आसान होता है, कुछ नहीं, 12th बहुत ईजी है, 11th थोड़ा सा कह सकते हैं मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है 12th की तुलना में 11th थोड़ा टफ है। और 11th तो कुछ है ही नहीं, उसमें तो ऐसे आँख बंद करके लगाओगे क्वेश्चन, उसमें केवल फार्मूला पे डिपेंड करता है। 12th बहुत आसान है, 11th उनकी तुलना में थोड़ा टफ है। तो 11th से अपने को लेना देना नहीं, लेना देना कहाँ है, कंपिटेटिव एग्ज़ाम में लेना देना है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। 12th तो अपना रखा हुआ है, और 12th में आएंगे क्वेश्चन, आएंगे फंसेंगे और अच्छा खासा नंबर उठा के लाएंगे घर, ठीक है। तो उसके लिए जो भी सब्जेक्ट हैं, कभी भी एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना। हिंदी चलता है कि नहीं चलता है? नहीं चलता है। अरे हिंदी सब्जेक्ट ऑप्शनल है, हिंदी, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट होगा प्रॉपर हमको ध्यान देना है। कभी कभी क्या होता है, जो हम लोग को गेनिंग मार्क्स, इसमें तो मेहनत है, साल भर मेहनत करते हैं, कुछ लोग इंग्लिश वगैरह क्या करते हैं, एक महीना पढ़ने से स्टार्ट करते हैं, तो सोचते हैं अर्जेंट से जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या बेचारा 100 नंबर्स का वो नहीं है, वो भी तो 100 नंबर का है, तो उसके साथ अन्याय क्यों? अगर वो तुमको मैथ में भी, मैथ से भी अच्छा नंबर दिलवा सकता है, तो उसको तो मैं पढ़ डालूँगा, मेरा तो प्रायोरिटी यही रहेगा। तो मुझे नंबर भी लाने हैं, नॉलेज प्लस नंबर, ध्यान देना। कुछ लोग कहते हैं कि नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं कहता हूँ नॉलेज भी जरूरी है प्लस नंबर भी जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं एग्ज़ाम में नंबर के भी वो होती है डिमांड, ठीक है। तो नंबर जो है हमको चाहिए, ठीक है, नंबर जो हमें चाहिए, और उससे हमारा जो होता है मोटिवेशनल अपने आप में हो जाएंगे, भैया हम भी कुछ हैं। बोले ना, हमारा जो क्लास 6 या 7 में ही थे उस समय, नंबर ऐसे बढ़ा के दे दिया, मैथ मेरा अपने आप में अच्छा हो गया, फिर कभी भी नकल से नहीं। फिर तो बहुत अच्छे स्कूल में गए, RSS, वहाँ पे हमने जो है 50 नंबर में कभी 49 आए, कभी 48, कभी 50 ऐसे ही पाते थे, मतलब 50 में। इस बात को मैंने देखा नहीं, पता नहीं कैसे हो गया, मुझे भी लगता है जादू था वो, ठीक है। तो अब हम लोग अपने लास्ट चरण में चल रहे हैं, इतना बताओ कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? चेंज करना सीख गए, ठीक है, क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, हम सिखाएंगे। अब एक चीज़ है जो सबको लिखते हुए जाना है, टाइम देख लो एक बार कितना हुआ, 6 मिनट बचा है कुछ क्वेश्चन। चलो इसको तो नोट डाउन करना ही है, फार्मूला, ठीक है, फार्मूला की अगर हम बात करें तो हम जैसे बताएंगे उसको कुछ नहीं करना है, घर पे जाना है, उसको लिखना है, बहुत बार मेहनत करना है, समझ लो न्यूमेरिकल ही है। पहला फार्मूला साइन ए प्लस बी, क्या पढ़ा है इसको? Yes, पढ़ा है? Yes, क्या होता बताओ? देख लो बच्चा, पहले नंबर फार्मूला ये हो गया, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारा पहला फार्मूला हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा हमारा फार्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी, क्या हो जाएगा? कुछ करना नहीं रहता, जहाँ प्लस वहाँ क्या लगा दो, माइनस, बस। क्या दूसरा नहीं याद हो गया? एक याद किया, दूसरा हो गया। तो इसका फार्मूला बताओ जरा, तुम बताओ हमें, नहीं पीछे, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, हाँ कॉस ए, नहीं सेम टू सेम रहेगा, प्लस की जगह केवल माइनस कर देना है, बताओ हमें, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, एक फार्मूला याद किया, दूसरा अपने आप याद हो गया, ठीक है, एक याद किया, दूसरा अपने आप याद हो गया। अब तीसरा देखो कैसे याद करते हैं, इन दोनों को जोड़ दो आपस में,
पहले और दूसरे को क्या करो आपस में, तीसरा फार्मूला जोड़ना आता है कि नहीं, लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ते हैं, ये लेफ्ट है और ये लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ते हैं, राइट राइट को जोड़ेंगे कैसे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐसे तो जोड़ते हैं, लेफ्ट को जोड़ दिया जोड़ दिया, अब राइट राइट को जोड़ देते हैं, तो राइट को जोड़ेंगे, बताओ क्या जोड़ के मुझे कोई बता सकता है कि इनको जोड़ने से रिजल्ट क्या आएगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी, हाँ हाँ यही आया है, देखो ध्यान से, प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस देखो सेम टू सेम है, कॉस ए कॉस ए, साइन साइन, तो ये तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ ध्यान से देखो, साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी पॉजिटिव है, लेकिन ए भी सेम है तो आपस में जुड़ के क्या हो जाएंगे, पता है x प्लस एक्स कितना होता है, ये तो बात पता होगा ना, इसका कोफिशियंट क्या है, कुछ नहीं है तो वन है, चलो इसको भी थोड़ा बता देते हैं, बता देते हैं, चलो ठीक है लो, वन प्लस वन कितना होता बताओ हमें, ये तो सब जानते हैं, मार्केट में गए, अब मार्केट में एक दुकान से गए एक पेन लेके आ गए, दूसरे दुकान से गए एक पेन लेके आए, कितने पेन, दो पेन, अब पेन को हम आलू यक्स मान लेते हैं, कितने यक्स, दो यक्स, चलो अब जोड़ना सिखा देते हैं थोड़ा सा, मार्केट में गए चार आलू लेके आए, एक जगह गए पांच आलू लेके आए, बताओ कितने आलू, नौ आलू, नौ आलू होंगे ना, आलू को मान लेते हैं यक्स, यहाँ भी यक्स तो नौ यक्स, यही तो है बैगन आलू गाजर से जोड़ना, अब घटाना भी देख लेते हैं एक बार, अच्छा एक बात और बता दो, मार्केट में गए चार आलू लेके आए और चार बैगन लेके आए, बताओ इनको आपस में ऐड करो, चार आलू चार बैगन, यानी चार आलू आएंगे चार बैगन को ऐड ही कहाँ कर पाओगे, ठीक है तो इसका मतलब इसको यक्स मान लो इसको वाई मान लो, ये होता सेपरेट वाई आ गया, कुछ नहीं होता बस डराया गया हमको यक्स वाई बता करके, ठीक है मार्केट में लेके आए हैं बल्कि हम लोग कैठ वाम चढ़ रहा है, देखते हैं काउंट करते हैं, ठीक है फिर देखते हैं रेशियो में कि हमारे घर में इतने सदस्य हैं तो छोटा वाला लेकर के बड़ा काउंट करने का प्रयास करते हैं ताकि एग्जैक्ट आ जाए, ठीक है अलजेब्रा ही पढ़ते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आता होगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, तो एक बात पता चला सेम चीज़ को जोड़ा जा सकता है और सेम चीज़ को, ये बात पता चला, तो इन दोनों क्या है सेम है, इनको आपस में जोड़ दिए ये आ गया, यानी तीसरा नंबर फॉर्मूला आ गया, अब एक और दो को आपस में घटा देते हैं माइनस कर देते हैं, अरे घटाओगे तो क्या होगा, प्लस प्लस है तो यहाँ पे यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है और यहाँ माइनस है, तो इनको घटाते हैं तो प्लस क्या हो जाता है माइनस, अरे मैंने बोला 30 में से 20 माइनस करो तो क्या करोगे, ऐसे ना करोगे माइनस, ठीक है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, अब जोड़ के बता सकते हो मैं क्या आएगा, इनको इनको सॉल्व करो आंसर बताओ हमें, लेफ्ट लेफ्ट को बताओ तू, लेफ्ट को सॉल्व करके बता दो, कुछ नहीं ऊपर लाइक ऐसे ही लिख लो ना, साइन ए प्लस बी और यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस कर दिया हमने, साइन ए माइनस बी बराबर, अब यहाँ देखो अब यहाँ माइनस है और यहाँ तो यहाँ ये वाला पोर्शन कट जाएगा, अब ये वाला कट जाएगा इधर वाला बचेगा टू कॉस ए साइन बी, फार्मूला नंबर फोर आ गया, अब ये बताओ क्या इन चारों फार्मूला में कोई प्रॉब्लम है, बना सकते हो नोट कर लो, ये फार्मूला पढ़े थे अच्छा लास्ट था सर, ये वाली एक्सरसाइज तो कर ली है, मैं सारा एक्सरसाइज फिर से कराऊंगा चिंता ना करो, अभी अभी की है मतलब नहीं कर रहे खुद से की है, अच्छा बहुत बढ़िया, ये कर ली है और ये वाली भी कर ली है सर, अब ये वाली क्वेश्चन अभी हो जाएंगे,
हाँ बिल्कुल हो जाएंगे, हो जाएंगे जो कंसेप्ट अभी इसके पहले वाले बताए थे, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। ये साइन 50 प्लस थीटा क्या हो गया? ये वाला फॉर्मूला लिख लो, इसका भी यूज होगा, ठीक है, अभी करवा रहे हैं। हो गया, इन्हीं फंडा, ये जो है जो फार्मूला है इन्हीं का यूज होगा, ठीक है। ये जो हमने अभी बताया था वही सब है, ये बल्कि तो हो जाएगा, हाँ ये सब तो हो जाएगा, ठीक है। चलो हो गया, चार हो गया, अब अंतिम दो बताएंगे हम, बाकी दो को माइनस और प्लस करके जो पांचवा छठवां फार्मूला बताएंगे, सातवां और आठवां आपको बताना रहेगा, घर पे काम रहेगा, ठीक है ना। और काम ये रहेगा जितना हमने बताया है थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लेना, हाँ, क्योंकि ये सब चीज़ें काम आएंगी, और मैंने बोला ना वहाँ पे भी क्वेश्चन रिपीट करवाएंगे, लगवाएंगे और समझ में आएगा और अच्छे से भी बात होंगी, ठीक है ना। लेकिन फार्मूला को हम लोग को प्रैक्टिस करना, जैसे मैं कर रहा हूँ, देखो अभी दे लेंगे सर 5 मिनट बस, टाइम हो गया, हो गया, हाँ टाइम का ख्याल रखिए क्योंकि सारी क्लासेस इंटरकनेक्टेड, ठीक ठीक है, ठीक है, कंप्लीट। चलो अंतिम देख लेते हैं, कॉस ए प्लस बी, इसको भी शायद फार्मूला याद होगा। देखो इस मैंने बोला ना एक फार्मूला याद किए थे, बाकी तीन फार्मूला तुमने याद ही नहीं किया। कॉस ए साइन बी, ठीक, कॉस ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, अच्छा सॉरी कॉस, माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है, ये फार्मूला है, क्लियर है, इसे याद करना है, इसे याद करना है, पांचवा नंबर, पहला याद किया था और पांचवा, ठीक है, छठवां अपने आप निकल जाएगा। ए माइनस बी क्या, जहाँ माइनस वहाँ का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे, प्लस हो जाएगा। ये हमारा नंबर 6 फॉर्मूला हो गया। अब हमारा काम क्या रहेगा कि 5 और 6 को आपस में ऐड करेंगे, जो फार्मूला निकलेगा वो हमें बताना है, और यहाँ पे 5 माइनस 6 को ऐड कर सेपरेट करेंगे, जो आएगा सातवां और आठवां नंबर फार्मूला को हमको बताना है, ये वर्क रहेगा, ठीक है, बात समझ में आया। ये जो है इन दोनों फार्मूला को ऐड करना है, लेफ्ट लेफ्ट को, राइट कॉस ए प्लस बी, कर क्या ना, कर क्या ना तो बात होगा, ठीक है फिर।